अमरकंटक के घने वन में तपस्या की एक गगनस्पर्शी मूर्ति है जिसका नाम है बाबा रामदास। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच साधना रत एक और शिखर का नाम है बाबा रामदास। पंचधारा में मां नर्मदा की धाराओं के बीच विराजे परम पुरुष का नाम है बाबा रामदास। बाबा रामदास केवल हाड़ मांस की एक देह नहीं है, दैव पुरुष हैं। मात्र 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं लेकिन 56 भाषाएं आती हैं। वे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भारतीय भाषाओं के मर्मज्ञ तो हैं ही, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज जैसी विदेशी भाषाएं भी उनकी वाणी और लेखनी का आभूषण हैं। अचरज तो ये है कि उन्हें पक्षियों की भी भाषा आती है। वे कौवों और कोयल से संवाद करते हैं, नाग नागिनियों की भाषा सीख रहे हैं। उनकी साधना किस ऊंचाई पर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देवी देवताओं की भाषा सीखने के लिए वे सपने में देवलोक जाया करते हैं। वहां जाते हैं, देवताओं की भाषा सीखते हैं और यहां आकर उसे लिपिबद्ध करते हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा के बाद 30 साल पहले बाबा रामदास जब पंचधारा में इस स्थान पर आए थे तब कुटिया नहीं थी। 120 दिन तक मां नर्मदा के जल पर जीवित रहकर साधना रत थे। बारिश के दिनों में जब यज्ञ करते थे तब मेघों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके यज्ञ कुंड के आसपास आकर बरस जाएं। चारों ओर पुरजोर वर्षा होती थी और इनके यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। बाबा रामदास की साधना स्थली का नाम है ज्ञानेश्वरी और ये ज्ञानेश्वरी के उपासक हैं, परम उपासक। मां नर्मदा की परिक्रमा के दौरान आपके दर्शन हुए, फिर ऐसी लगन लगी, उनके वचन सुनने की ऐसी प्यास जगी कि जब तब वहां जाने लगा। उनकी शरण में उस स्थल पर रात्रि विश्राम किया। यकीन मानिए, इतना जागृत स्थल है कि नींद आ ही नहीं सकती। बाबा रामदास कब सोते हैं, कब जागते हैं पता ही नहीं चलता। जब भी देखें साधना की मुद्रा में रहते हैं, किसी अजपा जप में, देवलोक की किसी यात्रा में। चेहरे पर सदा सर्वदा बाल सुलभ हंसी खेलती रहती है। बीच बीच में उनके साथ जो कुछ वार्तालाप हुआ है आपके साथ बांटते हैं। संतों के वचन जीवन को सुधारने के लिए हैं, संदेह मिटाने के लिए हैं, संदेह करने के लिए नहीं। इसलिए कृपया इसे इसी भाव से ग्रहण करें। सबने प्रणाम किया, हाँ। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम ऋषि महात्मा जी, हाँ। पर प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दिया, हाँ। एक महात्मा जी नहीं दिया आशीर्वाद। अच्छा, बोले मैं थोड़ा, बोले क्यों नहीं ऐसे आशीर्वाद दे रहे, क्या बात हो गई, सब जने तो दे दिए, 6 ऋषि तो दे दिया आशीर्वाद, एक जने रुक गया प्रणाम करते। तो बोले मैं इसका इसका इतना उम्र कितना है, बोले तो बोले 6 दिन बचे थे, 7 दिन बचे थे उम्र की पूरी होने के लिए। तो क्या हुआ कि हम पूछते हैं, बोले कि इसका उम्र कितना है, हाँ। तो बोले 7 दिन का बचा था उम्र, हाँ। तो ब्रह्मा जी के, वो विधाता के पास गए, हाँ। विधाता जी को पूछे तो बोले 7 दिन का इससे बचा है, बोले, हाँ। और बोले हमने तो चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, मार्कंडेय ऋषि ने, हाँ, हाँ। मार्कंडेय ऋषि को, हाँ। बोले अब क्या होगा, बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछ लेते और एक बार, हाँ। विधाता से पूछे, हाँ। एक बार ब्रह्मा जी से पूछे। तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो भाई, मिथ्यान होई देव ऋषि बाणी, तुम्हारा जो जो प्रणाम किए है उसका फल होगा,
मिथ्यान हुई देव ऋषि पानी, जो महात्मा जी बोल दिए अटल है, बोले जाओ मार्कंडे जी को बता दो तुम महामृत्युंजय जाप करो। महामृत्युंजय जाप चालू कर दिया। फिर वो 7 दिन होने को एक दिन बचा था, तो वो यमराज जी आए उसको ले जाने के लिए, तो उधर से शंकर भगवान पहुंच गए। ये बोले ले जा नहीं सकते, मैं 6-7 दिन का आयुष्य और उधार लेके आयो। बोले ब्रह्मा जी के पास से 7 दिन का आयुष्य मैं उधार लेके आया, बोले इसको ले जा नहीं सकते, बोले चले जा, बोले तुम यमराज जी को भेज दे वापस। फिर 7 दिन के बदले में अब देखो कितना दिन बीत गए, 7 दिन के बदले में कितना दिन बीत गए, तो अमर है वो चिरंजीव। हाँ, मार्कंडे ऋषि अमर है, चिरंजीव चिरंजीव हो गए जी। तो एक बार प्रणाम किया था उसने, एक बार तो उसको कितना आशीर्वाद मिल गया कोई अंत ही नहीं लगा। तो ये प्रणाम करने का बहुत बड़ा महत्व है जी। बड़े प्रेम से अब कुछ प्रणाम करने में अपना क्या शरीर झुकना ये जीतना है नहीं हो भाई। प्रणाम बड़े प्रेम से और आदर सत्कार के साथ, और प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम वो मातेश्री माता जी को भी प्रणाम करते हैं। वो उसमें बोला है नमस्कार करावा आई स, नमस्कार करावा गुरु स, नमस्कार करावा वडिला स, साष्टांग भावे मनते। वो नमस्कार करना चाहिए, नमस्कार करने से अपना आयुष्य बढ़ता है, आयुष्य उम्र भी बढ़ती जी, है जी। ऐसा होता है। बोलो नर्मदा नर्मदे। एक बार सनक सनंदन सनत कुमार जी के यहाँ वो पहुंचे भगवान। हाँ। भगवान पहुंचे तो वो ब्रह्म रूप में हो गए हैं, हम क्यों प्रणाम करेंगे। हाँ। हम नहीं करते प्रणाम। हाँ। हम ब्रह्मर्षियों को क्या प्रणाम करना है। तो विष्णु भगवान नाराज हो गए। विष्णु भगवान ने बोला श्राप दे दिया उसको, जाओ तुम्हारे को कर्म कांड में फंसना पड़ेगा। तो वो विष्णु भगवान को भी श्राप दे दिया। वो ये विष्णु भगवान को श्राप दिया ये सनक सनंदन सनत कुमारों ने। उसने बोले तुमको ब्रह्मा हम हो गए, बोले जाओ तुमको भी श्राप देते हैं, बोले तुमको भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस तुम्हारे को और अवतार लेना पड़ेगा। तो फिर श्रापी हो गया। फिर वो उनको भी सनक सनंदन सनत कुमारों को भी अवतार लेना पड़ गया, और वो विष्णु भगवान को भी अवतार लेना पड़ गया। जी, जी। वो प्रणाम नहीं किया उसके लिए चक्कर हो गए। प्रणाम का बहुत आदि आना आदि सनातन महात्म है। जी, जी, जी। तो ज्ञानेश्वरी में रोज पढ़ता हूँ। जी, जी। तेची ज्ञानेश्वरी वाचे वदता साचे भय कड़ी काला, पलिकाल का भी भय नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ जिसके पास में है उसको कलिकाल का भी डर नहीं है। जी जी। तेची ज्ञानेश्वरी वाचे वदता साचे भय कड़ी काळाचे नाहीत है। एका जनार्दनी संशय सांडुनी दृढ़ धरी मणि ज्ञानेश्वर। वो एकनाथ महाराज जी बोलते हैं जी, उसको सदृढ़ धारण करो बोलते हैं ज्ञानेश्वरी। और ये आदिशक्ति है, ये ज्ञान की ईश्वरी है वो। और ये ज्ञानेश्वरी जो पढ़ेगा तो उसको वो निवृत्तिनाथ महाराज जी का आशीर्वाद है, और संत ज्ञानेश्वर जी का भी भरपूर आशीर्वाद है। ये ज्ञानेश्वरी फेल नहीं होएंगी, अमर है वो, अमर है वो जी। हाँ, ज्ञानेश्वरी। और ज्ञानेश्वरी देखो वो एक बार रची फिर और रचेंगे। अब ये चंद्र सूर्य जब तक अमर है, अच्छा चंद्र सूर्य जब तक है तब तक ज्ञानेश्वरी रहेंगी, अचल रहेंगी, ऐसा होगा। तो ज्ञानेश्वरी का पाठ किस तरह से किया जाना चाहिए महात्मन? वो क्या है कि जैसे इसमें बताया है ज्ञानेश्वरी, वो लिखा हूँ मैं इसे, तेजी मराठी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, और अभी तो कुछ दिनों के बाद में 56 भाषा में ज्ञानेश्वरी निर्माण होगी, 56 भाषा में, और वो हर भाषा में ज्ञानेश्वरी छपेंगी जी। हाँ, ऐसा है। नहीं तो जैसे वेदों का पाठ जिस तरह से होता है, वैसे वैसे ही करना, वैदिक पाठ होता है। हाँ, रामचरित मानस का पाठ बहुत सारे लोग करते हैं, उसी तरह से ज्ञानेश्वरी का पाठ भी है। ओम नमो जी आध्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्म रूपा देवा तुचि गणेशु सकारार्थ मति प्रकाशो मणि निवृत्ति दासु अवधारी ज्योति। तो वो उसका बढ़िया ज्ञानेश्वरी का
प्रतिपादन रोज करना चाहिए। अब ये तो मराठी में बताया हो पर हिंदी में भी छपी है ज्ञानेश्वरी, हाँ उसका भी भावार्थ एक ही भावार्थ है जी। हाँ पर मराठी पढ़ने से और अच्छा होएगा। हाँ चूंकि मूल भाषा वही है, मूल भाषा जी, मूल भाषा तो संस्कृत है। अच्छा और फिर ये ज्ञानेश्वरी हिंदी में मराठी में छपी है। अच्छा हाँ, संत ज्ञानेश्वर जी ने उसको निर्माण किया। हाँ जी जी जी। तो जैसे जो सामान्य लोग हैं, हम जैसे लोग जो नहीं जानते ज्ञानेश्वरी के बारे में, तो जैसे वैदिक परंपरा जो है वेद जिस तरह से हैं, तो ज्ञानेश्वरी में और वेदों की परंपरा में क्या अंतर है महाराज जी? जी जी उसका रूप जी 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 वो मराठी में है, विस्तृत रूप में कर दिया है संत ज्ञानेश्वर जी ने, और ये मूल रूप में कर दिया उसको वेद को। हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि और क्या बोलते हैं अयम आत्मा, हम ब्रह्मस्मि, ऐसा वो ये हिंदी संस्कृत में हो गया। हाँ, ऐसा हो गया, वेदों ने ऐसा पुकारा, वेदों ने हो गया जी जी। पर भावार्थ तो हरि, श्री हरि, बस खत्म कहानी। वो एकनाथ महाराज जी ने बोला बस श्री हरि बोलो, बस खत्म कहानी। एक शब्द में ही उसका अनुकरण अनुवाद कर दिया उसने। तो इस जीवन का महत्व स्वामी जी क्या है? इस जीवन का महत्व है सदाचार जी। सदाचार रहना है कि अपने नियम के अनुसार ही अपने कर्म कर्तव्य को बनाना है। नियम के अनुसार ही कर्म कर्तव्य, कर्म और कर्तव्य दोनों बराबर होना चाहिए जी। और कर्म और कर्म कर्म करने में और कर्म कर्तव्य में फर्क पड़ गया तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा जी जी। हाँ ऐसा होता है। जैसे ये आप जैसे जो संत हैं और यहाँ इस तरह से इतने घने वन में रहते हैं, तो ये साधना किस तरह से होती है महाराज जी? नहीं, ये तो क्या है कि संस्कार के अनुसार होती है जी। प्रारब्ध संस्कार प्रारब्ध से मिला हुआ रहता है। हाँ। तो जैसे जिसके भाग में भाग भी उसके अनुसार होता है। जाओ तुम्हारे को इतने दिन तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या का योग बनेगा, इतने दिन तुम जंगल में रहोगे, ऐसा हो उस भाग्य रहता है, वैसे लिखा हुआ रहता है, उसी के अनुसार वो बर्ताव भी होता है वैसा, ऐसा होता है। जी। तो जैसे जीवन सफल बनाने के लिए मनुष्य जीवन ये मिला है। देखो जीवन को सफल बनाना है, कोई कर्म हमारे शेष रह गए तो वो कर्म की शेष की भाग्य की भाग्य वृद्धि बनाता है। भाग्य जो है वृद्धि बनाता है। भगवान की भक्ति करने से जो जो नहीं वो भी बन जाता है जी। भगवान की भक्ति करने से जो नहीं होने वाला वो भी काम हो जाता है। ऐसा होता है इसमें। अचूक बाण है वो। भगवान का नाम स्मरण करते रहो करते रहो करते रहो, जो नहीं होने वाला वो भी हो जाएगा जी जी। हाँ आप सोच ही नहीं सकते उसको जी, कल्पनातीत है। ऐसा कल्पनातीत, कल्पना ही नहीं कर सकते जी जी। वो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, होने का क्या कारण होगा, ऐसा यानी उसका आविर्भाव जो होता है बहुत संयुक्त रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। संतों के दर्शन का एक प्रभाव है। संत दरसते पातक डर रही है। संतों के दर्शन करने से बड़े बड़े पातक डर जाते हैं। तो एक बनिया रहा, बनिया बनिया रात दिन व्यापार करता था और जीता खाता था। एक दिन उसको ऐसा संशय हुआ कि संतों के दर्शन है क्या, तो बड़े विनंती करने लग गए भगवान से। तो विनंती करते 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 उसके अब 100 साल पूरे होने में थे, तो कोई संत वहाँ गए ही नहीं। संतों के दर्शन होना दुर्लभ हो गया। फिर भगवान को दया आ गई उसकी, करुणा पुकार सुन लिए, तो बैकुंठ लोक से एक महात्मा जी को भेज दिया। बैकुंठ लोक से जाओ तुम संतों के दर्शन दे देना, ये एक बनिया है उसको दर्शन दे देना। तो वो गांव में पधारे हो महात्मा जी, क्या झट पल भर के अंतर तो मिल गए। फिर वो उसकी खुशबू चली, खुशबू की बाहर आ गई। वहाँ संत महात्मा पधारे पधारे पधारे, 12 कोस तक खुशबू चली उसकी, 12 कोस तक सुगंध चली उसकी।
फिर सब जने दौड़े दर्शन करने के लिए। दर्शन करने से क्या हुआ, बनिया भी फिर दौड़ा, बनिया की औरत भी दौड़ी, बनिया के बच्चे है, बनिया के पूरा परिवार संतों महात्मा के दर्शन करने में लग गए। फिर संतों के दर्शन करने लग गए तो फिर चर्चा होने लग गई, सत्संग होने लग गए। सत्संग होते होते क्या हुआ कि बोले इसके हाथ से कुछ सत्कर्म भी हो जाए, ऐसा महात्मा जी ने सोचा। तो भाई क्या सत्कर्म होना चाहिए, तो बोले मंदिर नहीं था वो गांव में, बोले वो आदेश दिया मंदिर का निर्माण हो गया। फिर बोले धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला भी बनवा दिया, पोखरे खुदवा दिया, बाग बगीचे लगवा दिया, और ऐसा सत्कर्म हो गया उसके हाथ से। और फिर सत्कर्म हो गया, फिर बड़ी खुशहाली हो गई, कीर्तन भजन होने लग गए। फिर क्या हुआ कि दो दिन बचे थे तो उसके वो महात्मा जी चले गए बैकुंठ लोग। अच्छा, हाँ। उधर फिर वो उसके बाद में बनिया का भी शरीर छूटा, बनिया का शरीर छूटा तो सीधा यमपुरी में गया। यमपुरी में गया, उसने यमराज जी ने बोला देखो रे, बोले कोई वहां से बनिया आया है, इसका लेखा जोखा देखना, अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग का द्वार खोल देना, और बुरे कर्म होंगे तो नरक में ढकेल देना। बनिया घबरा रहे, विचार सुन रहे हैं, मेरे सत्कर्मों का कर्म का फल क्या होगा। फिर वो धीरे धीरे बही खाता खोले, बही खाता खोलने के बाद में क्या हुआ कि इसका भी नंबर निकल गया उसी में याददाश्त में, कि इसने संतों की सेवा किया था, बस इतना सेवा किया था, इतना ही निकला। यमराज जी को बड़े खुश हो गए, भाई संत सेवा में हाथ बटा दिया भाई, और क्या क्या, अरे पोखरे खुदवाए, बाग बगीचा लगवाया, मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई, और क्या बोलते हैं कि सड़क बनवा दिया, अरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत खुश हुए यमराज जी। यमराज जी खुश होने के बाद में बोलो क्या चाहिए सेवा के बदले में, तुमने संतों की सेवा किया है, इसके बदले में क्या चाहिए। तो वो बनिया बोला देंगे, तीन वचन हार लिया वो, बोले हाँ जरूर देऊंगा। तो बोले वो महात्मा जी मेरे यहाँ नहीं आए थे, उसके एक बार दर्शन करा दो। बोले उसने बोला अरे बाप रे, तो बैकुंठ के महात्मा जी रहे वो, इसको बैकुंठ में भेजना पड़ेगा तब उसके लाभ होगा। भाई चिट्ठी निकाला यमराज जी ने, पर्चा लिखा, वहाँ बैकुंठ लोग भेज दिया। हाँ। जाओ रे बोले यमदूतो, बोले हाँ। इसको बैकुंठ के महात्मा के दर्शन करा के ले आओ। हाँ। फिर बैकुंठ में गए उसकी आत्मा, हाँ। हाँ, प्राणात्मा गई। फिर बैकुंठ में गए, स्वर्ग का द्वार, बैकुंठ का द्वार खुल गया। बोले किसके दर्शन चाहिए, बोले नहीं महात्मा के दर्शन होना, भगवान विष्णु नारायण के दर्शन तो नहीं चाहिए, नहीं नहीं बोले महात्मा के दर्शन होना। तो खोला फिर वो गेट, तो द्वार खोला, तो महात्मा जी तो आत्मरूपी समाधि में स्थित थे। थोड़ी देर के बाद में खुल गई समाधि। समाधि खुलने के बाद में क्या हुआ कि उसकी नजर वो उसके बनिया के ऊपर गिरी। अरे बनिया तू भी आ गया, बोले क्या करूं महाराज, बोले मेरे दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। बोले वो यमराज जी ने पूछा, बोले क्या कर्म किया थे तुमने, तो मैं बोले कि मेरे हाथ से कुछ सत्कर्म हो गया था, तो बोले इतना सा प्रभाव से मैं यहाँ पहुंचा। बोले हाँ, वो बोले अच्छा हो गया, बोले बहुत बढ़िया हो गया। बोले और क्या चाहिए बताओ, बोले या वो भगवान के वो बोले महात्मा जी, बोले देंगे, हाँ बोले देऊंगा, बोले एक एक यानी एक बाल के बराबर आपके चरण में जगह दे दो, बोले एक बाल के बराबर आपके चरण में जगह दे। वो महात्मा जी ने बोले यो मस्तु, ऐसा ही होगा। हाँ, उसकी आत्मा उसमें समा गई।
अब इधर वो द्वारपाल देख रहे हैं, अब आएगा महा वो यानी वो बनिया, तब आएगा तब आएगा बनिया काय को आने को जाता है, वो तो भगवान में समा गया। तो एक बार मांगा था उसने दर्शन का लाभ, एक बार ही दर्शन करने का उसने बोला था, संत दर्शन का इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा महत्व भगवान में मिल गए हो। जी जी, जी। बोलो नर्मदा मैया की। महाराज जी एक प्रश्न बहुत सारे लोग पूछा करते हैं, और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे इतनी सारी पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, भद्रा है, हाँ सभी हैं, सप्त नदियाँ, सप्त नदियाँ हैं, तो इसमें माँ नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका क्या विधान है? माँ नर्मदा जी की परिक्रमा इसलिए किया करते हैं कि ये इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है ये। हाँ। और जगह में पैसा लगता है। हाँ। पैसा लगता है। हाँ। और ये जगह में नहीं लगता, बिल्कुल। हाँ। नर्मदा मैया के गुणगान करते रहो। हाँ। और आपको नर्मदा खाना भी, भोजन भी देंगी। हाँ। और जल भी देंगी, आहार भी सब दे देंगी। हाँ। और नर्मदा मैया पतित पावनी, तरण तारिणी, मंगलदायिनी, कल्याणी, इसके दोनों तट पवित्र है, निर्मल है। अच्छा। दोनों तट। और इसमें जो इच्छा किया नर्मदा मैया वो उसको देती है जी, किसी भी रूप में देती है, पर देती है। और आजकल जितने भी महात्मा लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, और जैसे जो जिस भाव से परिक्रमा करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। और इसलिए इसका, और ये क्या है, वो गंगा जी में नहाने का फल है, जमुना जी में वो 3 दिन का फल है, 3 दिन स्नान करना पड़ता है, और नर्मदा मैया में क्या है, तत्काल फल है, तत्काल फल है। इसलिए नर्मदा मैया परम पावनी, तरण तारिणी, मंगलदायिनी, और दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाती है, इसलिए इतना बड़ा महात्म है। हाँ, इसलिए नर्मदा मैया की तत्काल परिक्रमा होती है, ऐसा होता है जी। तो जैसे ये परिक्रमा तो अनादिकाल से चल रही है, अनादि है ये परिक्रमा, अभी से नहीं है ये, जब से धरती है तब से नर्मदा मैया है ये। और सबसे पहले परिक्रमा किसने किया है कि वो ये मार्कंडेय ऋषि, नहीं मार्कंडेय के ऊपर और है, और वो लोमस ऋषि ने किया। अच्छा। सबसे पहले परिक्रमा। अच्छा। लोमस ऋषि की परिक्रमा हो, यहाँ से फिर परिक्रमा में गए हो, तो क्या है, उसके प्राण आधे में छूट गए लोमस ऋषि, लोमस ऋषि के। लोमस ऋषि फिर उसको जन्म हुआ, जन्म हुआ तो फिर बचपन से महात्मा बने, फिर वो नर्मदा मैया की परिक्रमा कर लिया उन्होंने, जो शंकर भगवान की आराधना किए। शंकर भगवान की आराधना करने से क्या हुआ, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले देंगे, हाँ जरूर देंगे। बोले जितने मेरे रोम है उतने ब्रह्मा जी होना चाहिए, तो उतने ब्रह्मा जी का एक रोम टू एक ब्रह्मा जी होंगे तब एक रोआ टूटेगा उसका, इतनी बड़ी लंबी आयु मांगा। और शंकर भगवान ने दे दिया उसको, जाओ बोले तुम्हारे दे दिया। वो यह घुटने, इतने घुटने तक ब्रह्मा जी के रोम टूटे। अच्छा। इतने ब्रह्मा जी हो गए, और इतने ब्रह्मा जी और बचे हैं, अभी होने हैं और होना है। तो सबसे लोमस ऋषि ने, सबसे बड़ी उम्र है लोमस ऋषि, फिर मार्कंडेय जी की हुई, फिर मार्कंडेय जी भी, और बड़ी बड़े बड़े भी महात्मा है, मतलब मार्कंडेय जी दूसरे नंबर पर, मार्कंडेय दूसरे नंबर पर। और सबसे वो लोमस ऋषि बड़े है, काकभूषण जी के गुरु है। अच्छा जी। और काकभूषण जी की जितनी उम्र है वो, यानी उसकी भी बहुत बड़ी उम्र है। तो क्या बोलते हैं कि कितने कल्प बीत गए उसको, वो अमर है वो जी। और नर्मदा मैया भी आदि अमर है, आदि अनादि है, इसका कोई अंत ही नहीं है जी, कि कब से है क्या है कोई अंत ही नहीं है। हाँ। आदि अनादि है। हाँ। ऐसा हो जी। और ये आदि अनादि है तो जो
महात्माओं को जो भजन करते हैं हाँ। उनको भी आदि आदि अनादि उम्र हो जाती है। अच्छा हाँ, ऐसा प्रभाव है इसमें। जन्म भजन करते भजन करत बिन जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नाशा, अविद्या का नाश हो जाता है। तो भजन करते 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 फिर वो भी शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो परिक्रमा के समय क्या क्या नियम और अपने को अपनाना चाहिए कि नियमों का पालन जरूरी है? देखो, जितना नियम का पालन करोगे उतना फल मिलेगा। हाँ, आप वो बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम उल्टे सुल्टे जो भी है ये नहीं खाना है। हाँ, ये इसको बंद करना है। जो भी खा लिया खा लिया, पिछले खा लिया, अब हम नहीं खाएंगे भाई। संकल्प ले लो, आज से मैं इस चीज को त्याग दिया। पर त्याग किसका करना ये मालूम होना चाहिए। हमारे बुरे कर्मों का हमने त्याग कर देना चाहिए तो हमारी को अच्छी गति है, मिल जाएंगी उसमें। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। और मन की गति, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। तो दो ही हिसाब है इसमें, इसको सुधारने की जी। हाँ, एकदम नहीं सुधरेगा तो धीरे धीरे सुधरेगा जी जी, धीरे 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 फिर वो सुधर जाएगा। और फिर जय जय सुधरा, एक बार सुधरते, एक बार लाइन के पटरी के ऊपर गाड़ी आते तक देर है आ गई लाइन, तो वह बेधड़क लाइन चलेंगी फिर जी जी। ऐसा हो महाराज जी, जैसे भजन के लिए कहा जाता है कि भजन करिए, आप सभी संतों का एक आदेश आशीर्वाद उसके लिए मिलता है, लेकिन जो सामान्य आदमी है वो भजन में क्या करे, क्या भजन करे? भजन तो ऐसा है जी कि मन की तरंग मार ले मनवा, हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। और कोई भजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अपने दिल को लगाना पड़ता है। दिल को कैसे लगाना पड़ता है कि एक महिला रहती है, महिला रहती है तो वो पानी भरने जाती है, एक घाघर के ऊपर दूसरी घाघर, तीसरी घाघर, चार पांच छह सात घाघर रखती है। और वो सखियों से मिलती भी है, वो घाघर भरती उठाती है। और फिर मिलती भी है वो। और बच्चे आते उनसे भी मिलती है। सब से मिलती है, पर उसका वो घाघर के ऊपर ध्यान रहता है, आखिरी घाघर के ऊपर। तो इसी तरह से भगवान का भी भजन करना चाहिए। जैसे अब वो घाघर की उसके ऊपर ध्यान रहता है, इसी तरह से भगवान के ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए। आदमी करे कुछ चले कहीं, लेकिन ध्यान उसका वहां, ध्यान उसके मन राखे वो कृपा निधान बोलता है। वो कृपा निधान में मन रखना पड़ता है, तब फिर वो सुलभ हो जाता है। सब कुछ करते हुए भी सुलभ हो जाता है। महाराज जी, लेकिन ये बहुत बड़ी साधना, ये कैसे हो? ये संसार में रहते हुए धीरे धीरे संस्कार से बनता है ये जी। वो आज थोड़ा सा किए जाप, कल और बढ़ा दिया, कल और बढ़ा दिया, ऐसे धीरे 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 जाप करने करने से, पहले कायिक जाप, फिर वाचिक जाप, फिर मानसिक जाप, और फिर उपांशु जाप, और फिर अजबा जाप, ऐसे पांच प्रकार के जाप होते हैं। तो अब एक एक जाप के बाद एक एक, ये पहले तीन साल तो कायिक जाप करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वाचिक जाप करना पड़ेगा तीन साल, फिर तीन साल, फिर वो क्या बोलते हैं, कायिक जाप, वाचिक जाप, मानसिक जाप करना पड़ेगा, और फिर तीन साल फिर और करना पड़ेगा। तीन साल फिर करना, उपांशु जाप करना पड़ेगा, फिर तीन साल ऐसे कोर्स होते होते फिर अजबा जाप में नंबर आ जाएगा। दस दस बीस साल के बाद फिर उपांशु जाप में, वो अजबा जाप में नंबर। उपांशु जाप क्या होता है महाराज जी? वो कंठसी जाप होता है। अच्छा, कंठ के अंदर ही अंदर जाप होता है वो। तो वो क्या है, वाणी से बोला नहीं जाता उसको। मतलब अगर तीन तीन साल का जाप है तो पांच तिहाई 15 साल। पंद्रह साल में अजपा जाप तक पहुंच पाएंगे। अगर निरंतर अभ्यास रहेगा, निरंतर अभ्यास रहेगा तब पहुंचेंगे। नहीं तो थोड़े से जाप में नहीं पहुंचेंगे। और फिर लगी लगन रे भाई, फिर पक्की लगन लग जी, मीरा जैसी लगन लग ऐसा हो जी। तो महाराज जी, जैसे जप ये करना है, जप के लिए पांच तरह के जप आपने बताए हैं, तो इस जप के लिए क्या गृहस्थी में रहते हुए संभव है, या कि फिर माँ के तट पर, या कहीं? देखो, गृहस्थी में रह के भी संभव होता है। हाँ, फिर लगन से का जाप करना पड़ता है। हाँ, पहले एक माला जाप किए, 10 दिन तक एक ही एक माला जाप करो,
दस बीस दिन के बाद में फिर 10-20 माला में जाप कर लो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे आप, धीरे 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 संस्कार जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपनी उन्नति भी होते जाएंगी, प्रगति भी होएंगी और अपना जाप में अपना दिल भी लग जाएगा, धीरे धीरे लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा एकाएक एकदम ब्रेक मार देंगे तो गाड़ी उलट पुलट हो जाएगी, हम वो धीरे धीरे ब्रेक मारना पड़ेगा, ऐसा होता है। महाराज जी जैसे आजकल जो बच्चे हैं, युवा हैं, कामकाजी लोग हैं, तो उनके पास घर गृहस्थी की पढ़ाई की सबकी जिम्मेदारी है, तो इस सब के बीच की पढ़ाई भी करते रहें, नौकरी चाकरी भी करते रहें, तो वो सब कैसे इस भजन में लगन लगाएं, कैसे परमात्मा में लगन लगाएं? वो दोनों कैसे सधे? नहीं हो जाता है, दोनों होता है, एक म्यान में दो तलवारें आती है, अच्छा आती है, पर वो उसकी साइज बड़ी बनाना पड़ेगा म्यान की, म्यान अच्छा। वो म्यान को बड़ी बनाना दो तो 2-3 क्या 10-20 तलवारें इकट्ठे आ जाएंगी, अच्छा वो म्यान को बढ़ा दो और फिर वो 10-20 तलवार आराम से रख सकते हैं, अच्छा एक ही म्यान में सब काम चल जाएगा। तो इसी तरह से अपना दिल भी है, अपना दिल को भगवान में रखना है और काम इधर करते रहो, करते रहो, रात दिन काम करो ना भाई। जैसे तुलसीदास जी हुए, कबीर साहब हुए और वो रैदास जी हुए, मीराबाई हुई, वो उन्होंने भी ऐसे ही भजन किया है उन्होंने। हाँ तो धीरे 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 जतन जतन प्रयासा संस्कृति मूल अभिध्यानासा, तो पहले धीरे धीरे करना पड़ेगा और फिर एकाएक नहीं होएगा। महाराज जी थोड़ा आपके बारे में जानने की जिज्ञासा थी, हाँ, तो यहाँ इस पंचधारा के इस स्थान पर पधारे हुए कितने साल हो गए महाराज जी? मेरे को यहाँ कम से कम 30 साल हो गए। अच्छा 1980 में आया था मैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ जब आया तो पहले नर्मदा मैया की परिक्रमा किया, अच्छा और फिर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अच्छा वो भी पैदल ही? वो भी नहीं, कुछ गाड़ी से किया, कुछ पैदल तो परिक्रमा पैदल परिक्रमा। हाँ, यहाँ तो, फिर वो क्या दो सब ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किया, ऐसा फिर उसके बाद में आके फिर यहाँ बैठा। अच्छा हाँ फिर एकांत में बैठा, उधर बैठा था और फिर वो एक ऐसे रहा एकदम, पानी वान एक बार जल लेता था मैं। अच्छा हाँ बस हो गया 24 घंटे में? हाँ 24 घंटे में एक बार जल लेता था। अच्छा और ऐसा 120 दिन रहा मैं। अच्छा हाँ एक बार जल पे? हाँ अच्छा। वो जल पीता था लेकिन थोड़ा थोड़ा पीता था। अच्छा हाँ और 120 दिन का साधना। तो 120 दिन तक महाराज जी जल पर रहे या केवल एक बार जल लेते? नहीं नहीं वो 120 दिन जल पी के रहा। जल पी के? हाँ, रहे। अच्छा जी जी। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कियो पठिन कठिन तप उपवासा जी, ऐसा हुआ। हाँ। वो धीरे 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 मेरा क्रम बढ़ते गया। अच्छा अब धीरे धीरे सब फिर छूट गया फिर वो। हाँ ऐसा हो गया 120 दिन तक जल पर यहाँ आपने साधना की। अच्छा मैया के जल पे? हाँ। अच्छा आपके बारे में महाराज जी एक बार गुजरात में जब परिक्रमा में थे तो एक संत ने बताया था। अच्छा। कि जब आप यहाँ आए थे शुरू में साधना करते थे तो आपके यज्ञ स्थल के चारों ओर जहाँ आप हवन करते थे तो भारी बारिश में भी आसपास पानी नहीं आता था। ऐसा होता था, होता था। जी जी और वो एक बार तो बड़ी भारी नागिन आई थी यहाँ। अच्छा हाँ यहाँ से तो यह यहाँ तक लंबी रही। अच्छा और बड़ी उग्र रही वो। हाँ और खुला में बैठा था मैं। हाँ और फिर वो 10 बजे के टाइम आई थी रात में। हाँ रात में आई तो देखने लग गई मेरे को। हाँ अब मैं बुला रही तो देवता प्रकट हो गए भाई। अब मेरे को डर भी लगा। फिर डरना भी अब क्या है भाई, अब नागिन तो कुछ भी कर सकती है। फिर वो कुछ नहीं किया मेरे को। और 3 बार उसने ये सर को झुकाया और फिर वो अंतर ध्यान हो गई। अच्छा, नागिन। अच्छा और वैसे वो भी शेर भी आए थे यहाँ पे। हाँ अच्छा शेर भी आए थे तो शेर भी दर्शन करके फिर भग गए थे। अच्छा जी जी। एक बार 4 भालू आए थे। अच्छा हाँ 4 भालू भी फिर वैसे दर्शन करके भग गए। ऐसे सब नर्मदा मैया रक्षा करती है ना। जी जी। हाँ वो भेजती भी है आपकी पहरेदारी भी परीक्षा परीक्षा भी रहती है।
और आपकी पहरेदारी भी करते हैं, ऐसा भी हो, ऐसा हाँ 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 कि महात्मा जी को कोई इसके प्र ये ना हो भाई। जी जी ऐसा जी। अच्छा महाराज जी एक चीज और भी है, आप 56 भाषाएं जानते हैं। हाँ हाँ, तो ये किसके कैसे कृपा हो गई? ये मैं वैसे 9वीं कक्षा तक पढ़ाई किया हूँ जी, 9वीं कक्षा तक पढ़ाई किया, फिर एक बार ये संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में मैंने आवेदन लगाया था, और नामदेव जी के चरणों में, तो मैं बोला 56 भाषा मेरे को भी आना चाहिए, ऐसा मैंने आवेदन लगाया था नर्मदा में, नर्मदा में ऐसे भी लगाया और संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में भी लगाया, नामदेव जी से कहा, फिर नर्मदा मैया फिर पुकार सुन लिया, और फिर वो ऐसी आई है 56 भाषा कि एक बार पढ़ता था वो याद हो जाता था, जितना भी पढ़ाई कर लो एक बार पढ़ता था पूरा याद हो जाती थी, ऐसे ऐसे करके 56 भाषा आ गई मेरे को। ये लोग आश्चर्य मानते हैं कि हाँ है आश्चर्य है, विश्वविद्यालयों में जाके पढ़ाई करते हैं हाँ, 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 तब इतनी भाषाएं नहीं, भाषा नहीं आती, नहीं आती है, 56 भाषा बहुत होती है। तो ये साधना से अर्जित? हाँ साधना से हुई है। जी जी, एक बार पढ़ता था उर्दू अरबी फारसी मलयालम तेलुगु तमिल कन्नड़ जितनी भी भाषा है, ये इसकी किताबें लाया था मैंने, वो दिल्ली से बुलवाया था। अच्छा, दिल्ली से बुलवाया तो फिर उसको एक बार पढ़ा याद हो गए, एक बार पढ़ा पूरा याद हो गए, ऐसा ऐसा करके 56 भाषा याद कर लिया। जी जी, ऐसा तो वो भाषा है मेरे पास में। अच्छा अच्छा, है है, अभी आपको दिखाऊंगा वो। जी जी। और महाराज जी जैसे ये जो चूनर यहाँ बंधी हुई है हाँ, हाँ, तो ये लोग बांध के जाते हैं क्या? नहीं, ये कोई कोई सुमरन करते हैं वो। अच्छा, हाँ सुमरन करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। हाँ, तो मैं तो नहीं बोला भगवान से हाँ, पर वो भगवान ही वो हमारे रूप लेके उनकी मनोकामना पूरी कर दी। हाँ, तब ये चुनरी बंधी है ये। हाँ, तो जिसकी मनोकामना पूरी होती होगी हाँ, वो आके बांध जाते, बांध दिए उनको। मैंने अपना कई भाषा में नाम लिखा मेरा ही, ये ब्रह्मी है, सिंधु है, नागमोड़ी है, गुंडी है, बर्बर है, आर्मा, पुरानी पुरानी भाषा है, खरोष्टी है, अरबी उर्दू फारसी मराठी मंदी संस्कृत इंग्लिश बांग्ला, ये भी ये ले लो ऐसा। ये अनुरेणु भाषा पढ़ा था तो संत ज्ञानेश्वर जी को वो मुक्ताबाई ने निवृत्तिनाथ महाराज जी ने पत्र बांचने के लिए दिया था। तो बोले इसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो मुक्ताबाई के हाथ में दिया, बोले ये तो कोरा कागज है इसको हम कैसे पढ़ेंगे। फिर उसने बोला, ये निवृत्तिनाथ महाराज जी ने बोला कि इसमें सूक्ष्म अक्षर देखो, बोले इसमें अक्षर ब्रह्म दिखेगा, बोले फिर अक्षर ब्रह्म दिखाई दिया, ये अक्षर ब्रह्म ये है, ये अणु रेणु त्रेषरणु चिदणु महाणु और ये अंधलिपि और ब्रेल लिपि और क्या बोलते हैं कि शॉर्ट हैंड लिपि, ये भी पढ़ाई किया था। और ये सुन रखो, फिर कोरा कागज आ गया, ये देखो कोरा कागज कैसे है, ये सब भाषा को ये लिखो। महाराज जी जैसे आपने बताया कि श्री लिपि देव लोक से सीखी, हाँ हाँ, तो देव लोक से कैसे सीखी महाराज जी? वो यानी वो ऐसे सपने होते थे मेरे को। अच्छा, सपने में फिर मैं वहाँ जाता था देवलोक। अच्छा, और ऐसे सपने होते थे फिर वापस आके फिर लिखता था इसको। अच्छा, हाँ वो अक्षरों को फिर लिखता था फिर मैं। तो ये सपने रात में आते थे? हाँ, रात में आते थे। अच्छा, ये देखो यही है, कौन सी वाली श्री लिपि? ये है, ये 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 श्री लिपि, ये देवलोक से सीखे। हाँ हाँ हाँ, बस हो गए, ये बहुत कठिन अक्षर है। हाँ है, ये चित्रों की तरह है, चित्र हाँ, चित्र लेखा विचित्र लेखा नहीं होती रही। हाँ, और अनुलेखा होती थी। हाँ, भाग्य लेखा होती थी, कई ये इसमें, कई ये इसमें चमत्कार है, चिदनु महानु और त्रेसरेणु ऐसे अनु होते हैं। हाँ, हाँ, अणु से शुरू होकर और सूक्ष्मांतर कारण महाकारण चिद्रूप चिन्मय चैतन्य चिद्वली
और फिर विराट देह और क्या बोलते हैं सूक्ष्म देह और क्या बोलते हैं पद्म देह, ऐसे 10 देह होते हैं। अच्छा हाँ ईश्वर के। अच्छा और अपने 8 देह होते हैं अपन लोगों के। हाँ तो ये क्या है 8 देह अपने क्या? 8 देहों में अपना प्रवेश होता है, सूक्ष्म हो जाएंगे फिर अपन जैसे ये शरीर को छोड़े ये शरीर में आभास होता है उसका। जैसे सपना आ गया, सपने में हम निंद्रा में और लीन हो जाए, दूसरे सपना आ गया, तीसरा सपना आ गया, ऐसे कई एक सपने के अंदर कई सपने होते हैं, ऐसा होता है। तो वो ऐसे सूक्ष्म अणु महाअणु ऐसे होते हैं उसमें। अच्छा होता है। तो मनुष्य जो है वो 8 शरीर धारण करता है। 8 शरीर धारण कर। और जो देवता हैं वो 10 शरीर धारण करते हैं। नहीं वो विष्णु भगवान 10 धारण करते हैं। विष्णु भगवान और शिव जी भगवान। अच्छा जो त्रिदेव हैं। हाँ अच्छा उनके अंदर में ज्यादा पावर है। तो ईश्वर और मनुष्य में ये अंतर भी हुआ। हाँ वो उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय गुसाई बंधे कीर मरकट की नाई। आप कभी अगर बाबा रामदास जी से मिलने आए तो उनकी साधना में विघ्न न डालें। मां नर्मदा की गोद में बैठे इस संत के दर्शन करें, इनसे जीवन और आध्यात्म के मंत्र सीखें, इनकी एकांत साधना को महसूस करें और इनका प्रकृति के साथ तादात्म्य देखें। इस वीडियो में मेरा काम यहीं खत्म होता है और आपका शुरू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं किसी और घाट पर, शीघ्र ही चलेंगे किसी नई यात्रा पर, अंतर यात्रा पर। तब तक के लिए ओम द्विवेदी को अनुमति दें। नर्मदे हर।